सब्सक्राइब कीजिए रचना में रुद्रा चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन बटन को हमारी लेटेस्ट रेसिपी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना मेहरोत्रा और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राम लड्डू बनाएंगे। ये दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड है। आइए देखेंगे राम लड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। राम लड्डू बनाने के लिए हमने 1/4 कप चने की दाल ली है, 1/2 कप मूंग की धुली दाल है। दोनों दाल हमने धोकर पानी से 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अब इसका सारा पानी निकाल दिया है। 1 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग, 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। राम लड्डू की गार्निशिंग के लिए हमने लिया है हरी धनिया की चटनी खट्टी, इमली की सोंठ, मीठी है ये थोड़ी सी खट्टी मीठी, 1 छोटी मूली है कद्दूकस करी हुई, 1 गाजर कद्दूकस करी हुई। सारी दाल ये मिक्सी में डाल देते हैं जार में। मूंग की दाल भी इसमें सारी डाल देते हैं। ये हरी मिर्च और ये अदरक का टुकड़ा, 1 पिंच हींग और जीरा भी इसी में डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, थोड़ा सा कम या ज़्यादा। हमने 1/2 चम्मच से ज़्यादा इसमें नमक थोड़ा सा डाला है। अब दाल को सारी बारीक पीस लेते हैं। दाल गाढ़ी है, थोड़ा सा पानी डालकर दाल को फिर से पीस लेते हैं। जितने पानी की ज़रूरत होगी उतना थोड़ा थोड़ा पानी डालकर दाल को गाढ़ी ही पीसेंगे, पतली दाल नहीं करनी है। दाल एकदम बारीक पीस गई है, सारी दाल बोल में निकाल लेते हैं। सारी दाल हमने इसमें निकाल ली है। अब इसको हाथ से या चम्मच से इस तरीके से फेंट लेते हैं और पहले गैस ऑन कर देते हैं। जब तक कढ़ाई में ऑयल गर्म होगा तब तक हमारी दाल फिट जाएगी। दाल हमारी अच्छी तरीके से फिट गई है। इसका कलर देखिए एकदम बदल गया है, एकदम कलर चेंज हो जाता है। अब हम इस पानी में 1 पकौड़ी ड्रॉप करेंगे और यदि ये ऊपर तैर कर आ जाती है इसका मतलब दाल फिट गई है, और यदि ये नीचे बैठी रहती है तो दाल हमको और फेंटनी होती है। तो अब ये ऊपर तैर कर आ गई इसका मतलब दाल अच्छी तरीके से फिट गई है। हम थोड़ा सा पानी इसमें और मिलाएंगे हल्की सी दाल पतली करने के लिए, जिससे पकौड़ी एकदम सॉफ्ट बनेगी, अंदर से ठस नहीं होगी, नहीं तो कई बार अंदर से हार्ड रह जाती है। हमने 1/4 कप पानी लिया था, 1/2 पानी बचा हुआ है। दाल पहले पतली कर देने से ठीक से फिटती नहीं है दाल। ऑयल अब हमारा गरम हो गया है, अब 1-1 पकौड़ी करके फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें 1-1 पकौड़ी करके 1-1 राम लड्डू करके ड्रॉप कर देते हैं। हीट मीडियम रखेंगे। राम लड्डू चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। राम लड्डू गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इसको कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। राम लड्डू अब हम सर्व करने के लिए तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी हरी चटनी डाल देते हैं इस तरीके से। थोड़ी इसमें मीठी चटनी भी इस तरीके से डाल देते हैं। थोड़ी सी मूली डाल देंगे। गाजर, और थोड़ी सी मूली ऊपर से और डाल देंगे। राम लड्डू हम 2 तरीके से बना रहे हैं, 1 खट्टा मीठा मिक्स और
एक में केवल मीठा बनाएंगे। इसको सारा इस बाउल में निकाल लेंगे। और सारी मीठी चटनी इसमें मिक्स कर देंगे। एक पिंच इसमें ऊपर से चाट मसाला डाल देंगे। यदि आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप थोड़ा सा काला नमक और भुना जीरा पाउडर डाल सकते हैं। राम लड्डू बनकर तैयार हो गया है। आप इसे बनाइए, खाइए, और आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी लेटेस्ट रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए और अपने कमेंट्स हमारे संग शेयर करिए। एक बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। रचना मेरोत्रा.com पर।